अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल दावी 786। मोहब्बत के इस करामाती नक्श के इस्तेमाल से किसी को भी मोहब्बत में दीवाना कर सकते हैं। महबूब को मोहब्बत और बस में करने का यह खास अमल आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं। यह नक्श बड़ा ही करामाती है। महबूब चाहे जितना आपसे रूठा हुआ हो, आपको देखना भी गवारा ना करता हो, आपसे बे इंतहा नफ़रत करता हो, बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हो, तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करके उसे मना सकते हैं और अपनी मोहब्बत में दीवाना कर सकते हैं। ये अमल नक्श हर तरह की मोहब्बत में काम करता है। आप अपने महबूब के लिए कर सकते हैं या महबूबा के लिए कर सकते हैं, मियाँ बीबी के लिए या बीबी मियाँ के लिए, इस तरह के तमाम मोहब्बत के लिए ये अमल बड़ा ही काम का है। भाई भाई के लिए ये अमल कर सकता है, बहन भाई के लिए कर सकता है, सास बहू बहू सास के लिए ये अमल कर सकती है। इस नक्श की मुकम्मल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर लाजमी कर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। नक्श आपको इस तरह से बना लेना है, आपको इस तरह का एक खाका खींच लेना है। इस तरह का खाका खींचने के बाद इस नक्श को आप किसी भी दिन बना सकते हैं, इस नक्श को आप किसी भी टाइम बना सकते हैं। इस नक्श को आपको रेड कलर के पेन से लिखना है। नक्श आपको इस तरह से भर लेना है। आपको सबसे पहले इस तरह का एक खाका एक नक्शा खींच लेना है, जिस तरह से आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस तरह का आप खाका या नक्शा खींच लें। इस तरह का नक्शा खींचने के बाद आपको ये है दो चश्मी हैं पहले नहीं लिखने हैं, पहले आपको खाका खींच लेना है। खाका खींचने के बाद नक्श आपको इस तरह से भर लेना है। आपको यहाँ पर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है हे दो चश्मी है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है हे दो चश्मी है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है हे दो चश्मी है। इसके बाद आपको यहाँ पर भी हे दो चश्मी है लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको हे दो चश्मी है लिख देना है। फिर यहाँ पर भी आपको हे दो चश्मी है लिख देना है। इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है हुब। हुब लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सीन। सीन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है बे। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर हे हे हे। इस तरह से ये आपका नक्श मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर आपको लिखना है अपना नाम। अगर आप लड़की हैं तो बिनते लिख दें, अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिख दें। इसमें महबूब या जिसे भी आप अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं उसका नाम नहीं लिखना है, आपको इसमें सिर्फ अपना नाम लिखना है। इस नक्श को लिखने के बाद जिसे भी आप अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं तो उसके रास्ते में इस नक्श को दफन कर दें, जहाँ से वो आता जाता हो। बेहतर यह है कि यह नक्श महबूब के घर में दफन करें। जो भी आपको आसान लगे वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महबूब आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। ये अमल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त के साथ।